हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक सवाल जो कि यहाँ पे किया गया है, और ये सवाल क्या है देखिए जरा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मई 2023 को 1,50,000 रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब ऐसी एंट्री अगर आपको टैली प्राइम में दे दी जाए तो आप कैसे करेंगे, आज इसी की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एजुकेशनल मोड है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। आप चाहे टैली ERP 9 में काम करें, प्राइम में काम करें, अब तो ज्यादातर प्राइम में अपग्रेड हो चुका है सारी चीजें, और शायद आपके पास भी प्राइम ही हो। तो ये टैली प्राइम पे ही मैं इस सवाल का जवाब आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे और इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे। ठीक है ना, तो ये टैली प्राइम ओपन हो गया, यहाँ से मैंने इसे एजुकेशनल मोड पे लिया। अब यहाँ पर जो है 1 मई 2023 को व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी होनी चाहिए, तो यहाँ से एक कंपनी बना लेते हैं, जो भी कंपनी का नाम हो हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आपको क्लिक करना है, एक फॉर्म आएगा, इसको फिलअप कर लीजिएगा। माय न्यू कंपनी के नाम से ये कंपनी बना देता हूँ, माय न्यू कंपनी। ठीक है, माय न्यू QMPANY, माय न्यू कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया। यहाँ पर आएगा एड्रेस, तो ये एड्रेस हमारा हो जाएगा इस तरीके से, एंटर करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आएगा, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पिन कोड आएगा, तो यहाँ पे ये पिन कोड हो गया, और तमाम डिटेल डाल करके। और यहाँ पर व्यवसाय, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, ये तो पता ही है, लेकिन 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर तो शुरू होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 मई 2023 को 1,50,000 रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो मैंने 1 मई को व्यवसाय प्रारंभ हुआ है, तो काम शुरू होने की डेट क्या होगी, 1/5/2023 होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, कंट्रोल लेकर के इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर वो एंट्री हमें देनी है, ठीक है, कि 1 मई 2023 को व्यवसाय प्रारंभ किया। तो जैसे ही 1 मई अब व्यवसाय प्रारंभ किया, अब आप सोचना शुरू करते हैं कि इसकी एंट्री किस वाउचर में पास करेंगे। हमारे पास बहुत सारे वाउचर्स हैं, ठीक है, आपको वाउचर्स में जाने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू है, और यहाँ से वाउचर के लिए वी प्रेस करना है, खाली कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए, वाउचर में आ जाएंगे, या आप यहाँ पर जो वाउचर लिखा हुआ है यहाँ पे जाके क्लिक भी कर सकते हैं, तो ये आ गए। तो अभी ये एंट्री किस वाउचर में होगी, तो देखिए 1 मई को व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी व्यवसाय स्टार्ट किया जा रहा है 1 मई को। ठीक है ना, तो आपको सीधा सीधा कब चले जाना है, 1 मई की डेट में चले जाना है। ठीक है ना, 1 मई को व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक है, 1,50,000 रुपए से, तो 1 मई हमको डेट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी 1 मई आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो F2 करके यहाँ पर 1/5/2023 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन से वाउचर में जाएगा, तो व्यवसाय में पैसा रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होने की कंडीशन में कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिसिप्ट वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो F6 होती है, तो यहाँ से F6 प्रेस करके आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रेडिट नजर आएगा, तो आपको करना क्या है, क्रेडिट नजर आएगा तो यहाँ पर आपको देखिए कंपनी में लगाया जाने वाला फंड जो है कैपिटल के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, कैपिटल। तो यहाँ आपको सिंपली कैपिटल अकाउंट करना है, क्या करना है, कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट करिएगा, एंटर करिएगा, और ये एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, तो बस हो गया, ये स्टेट वगैरह देख लीजिएगा, कितने से, 1,50,000 से, तो यहाँ 1,50,000 वो अमाउंट तो डालना ही पड़ेगा, तो ये 1,50,000 डाला, यहाँ पर आए। अब ये जो है, अब ये नहीं दिया गया है कि ये कैश में प्रारंभ किया जा रहा है कि बैंक से किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बैंक खाते जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का है, यानी बैंक की ही बात की जा रही है, तो यहाँ पर बैंक से पैसा जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक लेजर यानी कि एक खाता क्रिएट करना होगा, क्रिएट ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ लिखूंगा कोटक महिंद्रा, ठीक है, और ये किस में जाएगा, अंडर बैंक अकाउंट जाएगा, तो यहाँ से बैंक अकाउंट कर लीजिएगा, और यहाँ आपका जो भी अकाउंट नंबर रहा हो, ठीक है, वो जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये डाल करके आगे बढ़िएगा, बाकी यहाँ पे IFSC कोड और तमाम चीजें आएंगी, ब्रांच हमारा देवरिया ही है, तो यहाँ पे देवरिया आपका जो भी हो वो कर लीजिएगा, यहाँ एक BRS कोड आता है उसको डाल सकते हैं, यहाँ पे चेक के लिए सारी डिटेल भरनी होती है, तो चेक के लिए आप भर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ, वैसे भर सकते हैं, चलिए भर ही देते हैं। यहाँ पे चेक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ पे कुछ भी आप डालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे बताएगा, ये आ गया। अब देखिए 23/13/232 से लेकर 23/13/250 तक ये चेक इश्यू हो गया, 19 चेक इश्यू हुए हैं, और चेक पे नाम किसका प्रिंटेड है, जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, और ये लिखने के बाद एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिए, एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आ गया। तो ये 1,50,000 किससे जा रहे हैं, आपके
ये कोटक महिंद्रा बैंक से जा रहा है, ठीक है, एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है ना।